सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने पार्ट वन कंप्लीट कर लिया है। सैम्पल पेपर का प्लेलिस्ट आपको दे रखी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज हमारा रहेगा पार्ट टू। देखिए, यहाँ पर हम जो CBSE सैम्पल पेपर, जो ऑफिशियली CBSE ने जो लॉन्च कर रखी है सैम्पल पेपर, वो सैम्पल पेपर हम लोग आपको करवा रहे हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ऑल राइट, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड मिसिंग है। ये इसलिए मिसिंग है फ्रेंड्स, आप लोगों को ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक सर्कल का क्वेश्चन था। तो सर्कल जो है हमारा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एक दो लेक्चर्स और हैं जो कि मैं आपको पता है व्हाइट बोर्ड पर लेता हूँ, तो वहाँ पर मैंने ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी आपको करवा दिया है। आप लोग जाकर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि सर्कल का है, और कहाँ पर है, जो सैम्पल पेपर पर है। ठीक है, तो सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों का कहाँ पर करवा रखा है, सर्कल वाले चैप्टर पर करा रखा है। आप लोग जाकर देख सकते हैं, हमारी वीडियोस प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एम एक्स ब्रैकेट 5x-6+9=0 हैज़ टू इक्वल रूट्स। ऑल राइट दोस्तों, देखिए ये जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, सबसे पहला चैप्टर था हम लोगों का, ये मैंने कंप्लीट करवा दिया। आप लोगों को जाके देख सकते हैं, नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सिद्धार्थाचार्य रूल, ये सारी चीज़ें जो है, डिस्टिंक्ट रूट, रियल रूट्स, ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीरियस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नो फ्रेंड्स, देखिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को बताता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या होती है, ax² + bx + c। तो आई होप ये आपको पता होगा कि ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ये होगी, इक्वल टू जीरो भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर पहले इसको इस फॉर्म में लाइए। तो देखिए लाते हैं, ये आएगा हमारा 5 mx². ठीक है, 5 mx² माइनस का देखिए कितना आएगा, और ये आएगा आपका देखिए 6 mx। ऑल राइट, कितना आएगा, 6 mx आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये आ गया 6 mx। अब ये देखिए बाहर से +9 भी है आपका, इक्वल टू जीरो। तो एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था हमारा, इसमें अगर आप सैम्पल पेपर देख खोलेंगे तो ये जो यहाँ पर जो लिखा गया है क्वेश्चन, इसमें कुछ एरर था, यहाँ पर +9 नहीं लिखा था, तो ये +9 मैंने आपको लिखवा दिया है, करेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब देखिए जब भी इक्वल रूट्स का कॉन्सेप्ट आता है, तो मैंने आपको बताया था क्या, सबसे पहली चीज़ टू फाइंड डी। सो हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डी इज इक्वल टू b² - 4ac। ठीक है, अब इक्वल रूट्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, किसका, इक्वल रूट्स। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल रूट्स। सो हम इक्वल रूट के कॉन्सेप्ट में क्या कर सकते थे, डी को जीरो मान लेते थे, आपको पता है डी को जीरो मानते थे। सो यहाँ पर डी इक्वल टू जीरो होता था। ऑल राइट, ये क्लियर होगा आपको, डी की वैल्यू जीरो। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब b² - 4ac 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, a क्या है आपका 5m, b क्या है -6m, c क्या है n। देखिए दोस्तों, इसके हिसाब से चलेंगे, यहाँ देखिए b की वैल्यू पुट करिए, ये आएगा -6m² - 4। a कितना है आपका 5m एंड c कितना है आपका 9। देखिए कितना आएगा 36m², यह आएगा 9 × 36, यह आ गया आपका -180m = 0। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए दोस्तों, एक काम करेंगे, 36m कॉमन ले लेंगे, तो आपका ये देखिए m माइनस अंदर 5 आ जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर m की वैल्यू 0 एंड m की वैल्यू 5, ये आपको मिल गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए 36m = 0, यहाँ से m निकालेंगे तो m 0 आ जाएगा, बट m 0 यहाँ पर नहीं रख सकते। ठीक है, अगर m 0 बना देंगे तो देखिए दोस्तों, m 0 को आप यहाँ पर नहीं रख सकते, m की वैल्यू 5 होगी। तो अगर इसका रियल रूट्स पूछे, फाइंड द वैल्यू, सॉरी, इसका अगर m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m अगर क्वेश्चन ने पूछा है, तो m की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 5 होगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप m की वैल्यू 0 रखते हैं यहाँ से, देखिए दोस्तों, तो 0 रखने पर ही क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं बन पाएगी। ठीक है फ्रेंड, ये आपको पता है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर से आपका जो आंसर होगा m = 5 होगा। ठीक है ना, इसको आप m जो है 0 के इक्वल नहीं सकता, इसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं, m = 0 जब करेंगे ही करेंगे, m की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए,
जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, यहाँ पर क्या लिखा दिया, सी एस एफ और राइट सर्कुलर कोन इस 12320। दोस्तों मैंने आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम भी पढ़ा दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स हो चुका है आपका, रिकास्टिंग वाले कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, 2 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, सेक्शन ए चल रहा है अभी हम लोगों का। ठीक है, चलिए दोस्तों, द सी एस एफ और राइट सर्कुलर कोन इज 12320। अब सी एस ए, ठीक है, ऑल राइट। चलिए देखिए फ्रेंड, सी एस ए कैसे निकालते हैं, सी एस ए का क्या फॉर्मूला होता है, कोन के सी एस ए का क्या फॉर्मूला होता है, सी एस ए ऑफ कोन पाई आर एल होता है, यही आपको दिया हुआ है। सो इट मीन्स इट इज गिवन टू यू दैट पाई आर एल इक्वल टू 12320। हेयर रेडियस, रेडियस हाउ मच, 56। सो रेडियस आपको दे रखी है 56, पाई की वैल्यू आप लोग रख लीजिए 22.7, रेडियस दे रखी है 56। यहाँ से देखिए एल निकालना है पहले हमें, अब ये छोटी सी कैलकुलेशन है इसको कर लीजिए। दोस्तों देखिए, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, ठीक है, यहाँ 1 आया, 11 1 ज़ा 11, यहाँ 2 बचा, 11 2 ज़ा 22। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए आप इसको करेंगे, 56 1 ज़ा 56, 56 2 ज़ा 112, और ये 51, 56 0 ज़ा 0। ठीक है, ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग इसको कर सकते हैं, ये सब कट गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, 2 से इसको काट लीजिए, ये 10 बार कट गया। सो यहाँ पर से आपका लेंथ कितना आ गया, देखिए 7, ये 10 ऊपर होगा ना, देखिए यहाँ पर ये 10 यहाँ पर होगा ही। ठीक है, मैं नीचे की तरफ काट दिया, आप लोग देख सकते हैं मैंने नीचे की तरफ काट दिया, आप ऊपर की तरफ काटें इसको। सो 7 × 10 कितना आएगा, 70। सो यहाँ पर से आप लोगों का जो लेंथ है, लेंथ मिल चुकी है आप लोगों को, लेंथ 70 आ गई है। यू नीड टू फाइंड, यहाँ पर यू हैव टू फाइंड हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ व्हाट, यहाँ पर हाइट ऑफ द कोन। सो हमारे पास रिलेशन होता है क्या, दैट एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है। ठीक है, सब कुछ पढ़ा रखा है, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास ले रखी, जहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन पर आप लोगों को सॉलिड्स, जो डिफरेंट सॉलिड्स होते हैं हमारे पास यहाँ पर मेंशुरेशन में, वो सबके फॉर्मुलेस आपको करवा दिए, जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, तो वहाँ पर मैंने व्हाइट बोर्ड पर करा रखा, ठीक है, ये आज हमारी सेकेंड क्लास चल रही जो कि शीट पर चल रही है, और क्या रीज़न है शीट पर लेने का, पहली वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमें फाइंड करना है एच स्क्वायर, सॉरी एच निकालना है, तो हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस का, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, एच इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए एल, एल कितना है 70 का स्क्वायर, ऑल राइट, यहाँ से आर कितना है आप लोगों का, ठीक है, आर देखिए आर क्या दिया है आपको 56 का स्क्वायर। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, देखिए आर कितना आ गया यहाँ पर से 56 का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 56 का स्क्वायर। अगर आप 56 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों, देखिए ये तो सिंपल है, 31 को समथिंग आएगा, आई थिंक 6 6 30 5 6 30 33 5 30 0 3 5 25 28। ठीक है, सो यू विल गेट 3136, आई होप क्लियर होगा सबको, 3136, और ये आएगा 4900 - 3136। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ पर से देख सकते हैं 1764, ठीक है 1764, और जो फाइनल आंसर आएगा आपका 42। ठीक है, सो यहाँ पर से आपको बता दूं कि हाइट जो आ गई आपकी 42 सेंटीमीटर आ गई, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको क्लियर होगा। तो पार्ट टू में भी हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, इसी तरीके से हम पूरा सैंपल पेपर कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद आप लोगों को हम यहाँ पर बोर्ड में भी दिखेंगे, बोर्ड में भी आएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, व्हाइट बोर्ड पर आपको हमारी वीडियो दिखेगी, और यहाँ पर शीट में भी हम लोग आपको करवाएंगे। तो प्रीवियस जितनी क्लासेस हैं सभी क्लास देख लेना, टर्म टू के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो चुकी है। चलिए दोस्तों, अब एग्ज़ाम भी आपके काफ़ी पास है, तो दोस्तों एंड करते हैं इस वीडियो को, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को सभी लोग यहाँ पर प्रेस कर लेना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।